हेलो स्टूडेंट्स, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर एंड इट्स बायसिंग में आज एक नया टॉपिक देखेंगे जो के है जेफेट। तो इस वीडियो में हम जेफेट क्या है वो देखेंगे और अंत में हम जेफेट के कैरेक्टरिस्टिक्स कव को भी समझ लेंगे। सो आई होप यू आर रेडी विथ योर पेन एंड पेपर। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट अस स्टार्ट दिस वीडियो। सो वापस से बोल रहा हूं, पेन और पेपर जरूर से हाथ में रखना क्योंकि ये जेफेट की कहानी थोड़ी बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। इसलिए तो शुरू करते हैं जेफेट यानी जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। तो पिछले वीडियोस में हमने देखा था FET फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर के बेसिक्स के बारे में, जिसमें हमने ये देखा था कि जो FET जो हमारा फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर है उसे हमने दो पार्ट में डिवाइड किया था। कौन से दो पार्ट थे? एक तो था जेफेट और दूसरा था MOSFET। तो MOSFET के लिए अलग से वीडियो बना देंगे, आज हम जेफेट के बारे में समझेंगे। और जेफेट को भी हमने दो टाइप में डिवाइड किया था, कौन सा था? एन चैनल और पी चैनल। अब एन चैनल यानी क्या, हमने बोल दिया था कि जेफेट में से जो भी करंट फ्लो होता है वो इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड करता हो या नेगेटिव चार्ज कैरियर पे डिपेंड करता हो, उसे एन चैनल जेफेट बोल देते थे। और पी चैनल के लिए क्या बोलते थे कि इसमें से जो करंट फ्लो हो रहा है वो होल्स पे डिपेंड करता हो या फिर पॉजिटिव चार्ज कैरियर पे डिपेंड करता हो, उसे हम पी चैनल जेफेट बोलते थे। तो इस वीडियो में हम पर्टिकुलर ये जो एन चैनल है जेफेट उसकी ही बात करने वाले हैं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। ठीक, अच्छा, बाद में हमने क्या देखा था बेसिक्स में, एफईटी के बेसिक्स में, कि एफईटी जो है वो थ्री टर्मिनल डिवाइस है। तो यहां पे थ्री टर्मिनल डिवाइस बना के रखी है, ये हो गया ड्रेन, गेट और सोर्स। ये जो ब्लैक पोर्शन दिख रहा है इसे बोलते हैं मेटल कनेक्टर, जो कनेक्ट करके देगा ये टर्मिनल्स को। ठीक, अच्छा, बाद में हमने क्या देखा था, बाद में हमने ये देखा था कि इसका जो सिंबल होता है फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर का वो कुछ इस तरीके से होता है। ठीक, अच्छा, अब हमें तो किसकी बात करनी है, हमें तो बात करनी है एन चैनल जेफेट की। ठीक है, तो एन चैनल जेफेट बनाने के लिए यहां पे मैं कुछ इस तरीके से कर्व बना दूंगा। ठीक है, अभी बना रहे हैं फिर बाद में समझ लेंगे। अब ये जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन ये हो गया हमारा एन टाइप सेमीकंडक्टर, और ये जो दो मैंने बनाए कर्व ये हो गए हमारे पी टाइप सेमीकंडक्टर। यानी एन चैनल जेफेट यानी क्या कि जिसके अंदर एन टाइप सेमीकंडक्टर का मटेरियल ज्यादा हो कंपेयर टू पी टाइप। ठीक है, तो ये हमारी क्या बन गई, एक चैनल बन गई, एक पैसेज बन गया जिसमें से करंट फ्लो होगा। किस में से करंट फ्लो होगा? एन टाइप में से, इसलिए हम इसे बोलते हैं एन चैनल जेफेट। ठीक है, अच्छा, और इसका सिंबल अगर बनाए तो ये सिंबल तो हमें पता है, लेकिन अब ये जो डायरेक्शन है आपको ऐसे रखनी है करंट की। ठीक है, अगर ये पी चैनल होता तो, पी चैनल होता तो डायरेक्शन जो एरो की है वो ऐसे करनी पड़ती है आपको। और पी चैनल यानी क्या, मेजोरिटी पोर्शन जो होगा वो पी टाइप सेमीकंडक्टर का होगा। यानी यहां पे आप पी लेते जो सेमीकंडक्टर है वो, और यहां पे एन टाइप सेमीकंडक्टर ले लेते। ठीक है, अच्छा, फिलहाल तो हम बात कर रहे हैं एन चैनल की। तो ये हो गई हमारी एन चैनल, ये पी टाइप सेमीकंडक्टर हमने लगा दिया। ठीक, अच्छा, अब ये जो पी टाइप है और ये पी टाइप है दोनों आइडेंटिकल है, यानी दोनों एक जैसे हैं। ठीक, एक जैसे हैं, तो दोनों को कनेक्ट कर दो एक दूसरे के साथ। कैसे कनेक्ट करेंगे? वापस से यहां पे एक मेटल कनेक्टर ले लेते हैं। ठीक है, और दोनों को कनेक्ट करना है तो क्या करेंगे, एक वायर लेंगे, ये वायर ऐसे करके कुछ ऐसे पास कराएंगे और यहां से ये कनेक्ट कर देंगे। तो क्या कर दिया, दोनों को कनेक्ट करवा दिया। क्यों कनेक्ट करवाया सर? दोनों आइडेंटिकल है, एक जैसे है, इसलिए दोनों को कनेक्ट करवा दिया। अब दोनों को कनेक्ट कराने पर क्या होगा वो देख लेते हैं। तो दोनों को जब कनेक्ट कराओगे तब एक डिप्लेशन लेयर बनेगी। ठीक है, ड्यू टू डिफ्यूजन प्रोसेस। अब कैसे बनेगी सर? तो वो भी हमने पढ़ा था कि इसमें पीएन जंक्शन डायोड में, ये हो गया हमारा पी टाइप सेमीकंडक्टर, एन टाइप सेमीकंडक्टर, दोनों को कनेक्ट किया। एन टाइप में क्या होता था, मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स इलेक्ट्रॉन होते थे, पी टाइप में मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स होल होते थे। क्या होता था यहां पे, एन टाइप के जो इलेक्ट्रॉन है वो पी टाइप के होल के पास जाके डिफ्यूज हो जाते थे, जिसके कारण शॉर्टेज ऑफ चार्ज कैरियर बनती थी, जिसे हम डिप्लेशन लेयर बोलते थे। उसी तरीके से ये एन और पी है, ये एन और पी है, तो यहां पे भी कुछ ऐसे डिप्लेशन लेयर बनेगी जहां पे शॉर्टेज ऑफ चार्ज कैरियर होगा। तो ये हो गई हमारी डिप्लेशन लेयर। ठीक है, तो यहां तक आपको कहानी क्लियर हो चुकी होगी, आई होप। अच्छा, अब डिप्लेशन लेयर तो बन चुकी है यहां पे, अब आगे कैसे बढ़े? तो आगे ऐसे बढ़ेंगे कि
ये जो हमारा फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर है वो कौन सी डिवाइस थी, अगर याद हो तो वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस थी। वोल्टेज कंट्रोल्ड यानी क्या, ये जो आउटपुट पे हमारा आईडी करंट है, ये जो आईडी करंट है ये किस पे डिपेंड करता था, अगर याद हो तो ये डिपेंड करता था ये जो दो टर्मिनल है इनके बीच के पोटेंशियल डिफरेंस पे डिपेंड करता था, ये था पोटेंशियल डिफरेंस VGS, ये भी बेसिक वीडियो में देख चुके हैं। तो ये VGS है उसके पर्टिकुलर दो केस है, ठीक है, कौन से दो केस है, पहले तो VGS इज इक्वल टू जीरो हो और दूसरा हो VGS लेस देन जीरो हो। तो ये दोनों केस में से हम ये वाला केस डिस्कस करेंगे, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब VGS इज इक्वल टू जीरो इसका मतलब क्या, ये दोनों टर्मिनल के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना लेना है हमें, जीरो लेना है, ठीक है, दोनों पोटेंशियल, ये जो टर्मिनल है दोनों के टर्मिनल के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस जीरो लेना है, ठीक है। तो कैसे ले, तो सबसे पहले तो दोनों का पोटेंशियल बराबर कर दे, ठीक है, अगर बराबर करेंगे तभी तो पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होगा। तो कैसे बराबर करेंगे कि एक वायर ले लेंगे, ये गेट से कनेक्ट कर दिया, ये सोर्स से कनेक्ट कर दिया, ठीक है, दोनों का पोटेंशियल अब कैसा हो गया, बराबर हो गया, यहां पे जो पोटेंशियल वही यहां पे पोटेंशियल होगा, बराबर कर दिया, हमें जीरो चाहिए तो यहां पे हम क्या करेंगे, ये जो हमारा सोर्स है उसे हम ग्राउंड कर देंगे। ग्राउंड कर दिया इसका मतलब क्या, ग्राउंड का पोटेंशियल कितना, जीरो वोल्ट, यानी यहां पे जीरो वोल्ट, यहां पे भी जीरो वोल्ट, यानी पोटेंशियल डिफरेंस ऐसे देखने जाए तो जीरो हो चुका है, यानी ये केस बन चुका है, ठीक है। अच्छा, अब हमें पता है क्या कि यहां पे क्या करंट फ्लो होता है, आईडी, ये जो ड्रेन में जो करंट है वो हमें फ्लो कराना है और ये करंट कुछ आईडी ऐसे फ्लो कराना है हमें, ठीक है। तो उसके लिए क्या चाहिएगा, एक बैटरी की जरूरत पड़ेगी, तो उसके लिए एक बैटरी ले लेंगे और वो बैटरी करंट ड्रेन से सोर्स की ओर फ्लो करानी चाहिए, यानी कि ड्रेन और सोर्स के बीच में एक बैटरी कनेक्ट करेंगे। कैसे कनेक्ट करेंगे, तो यहां से एक वायर लिया, ठीक है, और यहां से एक वायर लिया, दोनों को बैटरी से कनेक्ट कर दिया, ठीक है। तो अब बैटरी कैसे कनेक्ट करे सर, प्लस टर्मिनल किसको दे, माइनस टर्मिनल किसको दे, तो उसके लिए हम क्या बोलेंगे कि हमें करंट डाउनवर्ड डायरेक्शन में फ्लो कराना है, यानी करंट यहां से निकलना चाहिए, ठीक है। अगर करंट यहां से निकलना चाहिए तो बट ऑब्वियस है, ये प्लस टर्मिनल ले लो और ये माइनस टर्मिनल ले लो, ठीक है। और ये बैटरी का नाम हम दे देते हैं VDD। क्यों VDD दिया, VSS क्यों नहीं दिया, क्योंकि ये जो सोर्स है वो तो ग्राउंड करके रखा है, ठीक है। अच्छा, अब ये बैटरी तो हमने कनेक्ट कर दी, तो यहां पे ये जो दो टर्मिनल है उनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा, ये जो दो पॉइंट है उनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस मैं बोल सकता हूं VDS। ये केस में क्या हमने लेके रखा है, जो VDD है सपोज करते हैं 5 वोल्ट है, तो वही पोटेंशियल ये दो टर्मिनल के बीच में आएगा, यानी ये VDS भी कितना हो जाएगा, 5 वोल्ट का हो जाएगा। अच्छा, अब यहां पे कितना पोटेंशियल है, 0 वोल्ट, ठीक है। अब ये सपोज 5 वोल्ट की बैटरी है, यानी नेगेटिव पे 0, पॉजिटिव पे 5, यानी पोटेंशियल डिफरेंस 5 - 0, यानी 5 वोल्ट, यानी ये 0 पे है तो ये किस पे होना चाहिए, ये वाला टर्मिनल 5 वोल्ट पे होना चाहिए, ठीक। अच्छा, यानी कि यहां पे अगर n चैनल में देखें तो क्या होगा, ये 0 ये 5, यानी पोटेंशियल धीरे 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 कम हो रहा है या फिर पोटेंशियल धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो अज्यूम करते हैं कि सपोज आगे बढ़ने पर, थोड़ा आगे बढ़ने पर पोटेंशियल 1 वोल्ट हुआ, यहां पे सपोज 2 वोल्ट, यहां पे सपोज 3 वोल्ट, यहां पे सपोज 4 वोल्ट हुआ, सपोज कर रहे हैं समझने के लिए, ठीक। अच्छा, तो ये 4 वोल्ट 3 2 1 0 या फिर 1 2 3 4 ऐसे कुछ है, तो यहां पे हायर पोटेंशियल है, यहां पे लोअर पोटेंशियल है। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं, कैसे आगे बढ़े कि अगर अपवर्ड पोर्शन की बात करें, हाफ के ऊपर के पोर्शन की बात करें, तो क्या देखेंगे हम कि ये पी टाइप जो है वो कितने पोटेंशियल से कनेक्ट किया है, 0, ये कितने, 0 पोटेंशियल से कनेक्ट किया है, ठीक है। तो ये जो डिप्लेशन लेयर जो है यहां पे जो बना है वो कौन से पोटेंशियल डिफरेंस पे है, 0 और 4, यानी 4 - 0, यानी ऊपर की साइड, ऊपर की साइड, ये हाफ पोर्शन की बात करें, ऊपर की साइड पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 4 वोल्ट का है, यहां पे भी पोटेंशियल डिफरेंस 4 वोल्ट का है। नीचे की साइड पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, ये वापस से 0 वोल्ट, ये 1 वोल्ट, यानी 1 - 0 1 वोल्ट, यहां पे भी 1 वोल्ट, यहां पे भी 1 वोल्ट, और नीचे का जो डिप्लेशन लेयर है वो कम पोटेंशियल डिफरेंस पे है।
अब यहां पे ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस है, यहां पे कम पोटेंशियल डिफरेंस है, और ये जो हमारा जंक्शन बना, डिप्लेशन लेयर बना, उसका फॉरवर्ड बायसिंग है या रिवर्सिंग बायसिंग है वो चेक कर लेते हैं। तो वो कैसे चेक करेंगे कि यहां पे हमने ये जो पी टाइप है, पी टाइप उसे किसके साथ कनेक्ट करके रखा है, उसे हमने नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट करके रखा है, ठीक है, और हमारा जो एन टाइप है उसे किसके साथ कनेक्ट करके रखा है, पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट करके रखा है, यानी रॉन्ग कनेक्शन है, रॉन्ग कनेक्शन है यानी रिवर्स बायस है, और रिवर्स बायस में क्या होता है, डिप्लेशन लेयर बढ़ता है, ये हम सबको पता है। फॉरवर्ड बायस में डिप्लेशन लेयर कम होता है, रिवर्स बायस में डिप्लेशन लेयर बढ़ता है, तो पोटेंशियल बैरियर बढ़ता है, करंट फ्लो नहीं होने देता, ठीक है, वो सब बात की बात है। तो क्या समझना है हमें एक्चुअली यहां पे, कि यहां पे रिवर्स बायस में है, रिवर्स बायस में क्या होता है, डिप्लेशन लेयर बढ़ता है, और यहां पे पोटेंशियल डिफरेंस ऊपर की साइड कैसा है, ज्यादा है। अगर ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस, यानी सपोज करते हैं यहां पे कुछ बैटरी आपने कनेक्ट करके रखी है, सपोज ये माइनस ये प्लस रिवर्स बायस करके रखा है, जितना ज्यादा पोटेंशियल करोगे उतना पोटेंशियल जो डिप्लेशन लेयर है वो बढ़ने लगेगा, ठीक है। उसी तरीके से यहां पे ज्यादा पोटेंशियल है, यहां पे कम पोटेंशियल है, तो यहां पे डिप्लेशन लेयर बढ़ेगा, लेकिन यहां पे इतना डिप्लेशन लेयर बढ़ने वाला नहीं है, ठीक है। तो यहां पे मैं क्या करूंगा, ऊपर की साइड डिप्लेशन लेयर बढ़ाऊंगा, तो ऐसे करके कुछ ऐसे डिप्लेशन लेयर बढ़ाई, ठीक है, यहां पे भी सेम वे ऐसे करके कुछ ऐसे डिप्लेशन लेयर बढ़ाई। समझ में आया डिप्लेशन लेयर क्यों बढ़ा, क्योंकि रिवर्स बायस में है, और ऊपर की साइड ही क्यों बढ़ा, क्योंकि ऊपर की साइड पोटेंशियल ज्यादा है, यहां पे 0.4 यानी 4 वोल्ट का पोटेंशियल है, तो डिप्लेशन लेयर बढ़ेगा, यहां पे 1 वोल्ट का, तो डिप्लेशन लेयर इतना बढ़ने वाला नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब डिप्लेशन लेयर बढ़ चुका है और यहां से आईडी करंट ऐसे फ्लो होना शुरू हो गया है, ठीक है। आईडी करंट यानी कन्वेंशनल करंट तो ऐसे फ्लो हो रहा है, लेकिन उसके सामने इलेक्ट्रिकल करंट जो है हमारा, जो इलेक्ट्रॉन से फ्लो होता है, इलेक्ट्रॉन कैसे फ्लो होने वाले हैं, हमेशा करंट के डायरेक्शन के ऑपोजिट, यानी ये जो इलेक्ट्रॉन है वो तो ऐसे फ्लो होने वाले हैं, ठीक है, ये चैनल में से फ्लो होने वाले हैं, ठीक है, और ये चैनल कि जो थिकनेस है वो कम होती जाएगी, कब कम होती जाएगी, जैसे जैसे हम पोटेंशियल बढ़ाते जाएंगे, ठीक है। अच्छा, तो अगर पोटेंशियल बढ़ाएंगे तो बट ऑब्वियस है करंट फ्लो भी बढ़ेगा, ठीक है, यानी जो हमारा वोल्टेज है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट है। सपोज करते हैं 1 वोल्ट था, करंट 2 एम्पियर, 3 वोल्ट करंट, 5 एम्पियर, 5 वोल्ट करंट, 10 एम्पियर, यानी वोल्टेज बढ़ाने पर करंट का फ्लो तो बढ़ेगा, लेकिन डिप्लेशन लेयर भी तो बढ़ने वाला है। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। अब सपोज ये 5 वोल्ट की जगह हम 10 वोल्ट लगा देते हैं, 10 वोल्ट लगाएंगे तो क्या होगा, ये अब आ जाएगा 10 वोल्ट पे, ये 0 का 0 ही रहने वाला है। अब यहां पे कितना हम अज्यूम कर लेंगे, 9 वोल्ट, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, यहां पे 1 रहेगा, ठीक है। अब क्या होगा, अब 9 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस आ गया, पहले कितना था, ऊपर की साइड 4 वोल्ट का था, अब 9 वोल्ट का, या 9 वोल्ट का, वो भी रिवर्स बायस में, जिससे करके और डिप्लेशन लेयर बढ़ेगा, ठीक है। तो डिप्लेशन लेयर अब मैं बना देता हूं कुछ ऐसे करके, कुछ ऐसे, ठीक है, नीचे की साइड थोड़ा बढ़ेगा, ऊपर की साइड ज्यादा, क्यों, ऊपर की साइड पोटेंशियल ज्यादा है, ऐसे करके कुछ ऐसे बना देता हूं, ठीक है। तो ये हमारा हो गया डिप्लेशन लेयर बढ़ा और बढ़ा, क्योंकि रिवर्स बायस में है इसलिए, ठीक है। अब आप देख सकते हो कि यहां पे जो इलेक्ट्रॉन है उसके लिए अब पतला सा ये पैसेज बचेगा जाने के लिए, ठीक है, पतला सा इसको पैसेज मिलने वाला है करंट के फ्लो कराने के लिए, ठीक। अब एक पॉइंट ऐसा आ जाएगा कि पोटेंशियल बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ, फिर भी करंट बढ़ने वाला नहीं, करंट सैचुरेट हो जाएगा। क्यों करंट सैचुरेट हो जाएगा, क्योंकि आपने 10 वोल्ट कर दिया, तब अब करंट इंक्रीज नहीं होगा। क्यों इंक्रीज नहीं होगा, क्योंकि ये जो हमारा पैसेज है, ये जो एन चैनल है वो पतला हो गया है डिप्लेशन लेयर बढ़ने के कारण। एन चैनल पतला हो गया तो ये जो इलेक्ट्रॉन है उसको रेजिस्टेंस भी तो ज्यादा लगेगा, एरिया कम हो गया। आपको इक्वेशन पता है, आर इज इक्वल्स टू रो एल बाय ए, अगर एरिया आपने कम किया तो रेजिस्टेंस बढ़ा, यहां पे एरिया कम हो गया तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, रेजिस्टेंस बढ़ा तो करंट कम फ्लो होगा, या फिर करंट सैचुरेट हो जाएगा। करंट तो बहुत सारा है लेकिन यहां पे पतला पैसेज है, तो करंट तो अपनी कांस्टेंट स्पीड से जाएगा, ना बढ़ेगा ना घटेगा, यानी करंट कैसा हो जाएगा, सैचुरेट हो जाएगा। यानी एक पोटेंशियल पे करंट बढ़ेगा नहीं, सैचुरेट हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। वो पोटेंशियल को हम बोल देंगे P
पिंच ऑफ पोटेंशियल। ठीक है, पिंच ऑफ पोटेंशियल यानी क्या कि ऐसा पोटेंशियल जिस पे करंट कांस्टेंट हो जाता है, करंट सैचुरेट हो जाता है, उसे हम पिंच ऑफ पोटेंशियल बोल देंगे। ठीक है, अच्छा पिंच ऑफ पोटेंशियल तक की कहानी आपको समझ में आ गई। करंट कांस्टेंट हो गया, क्यों? यहां पर रेजिस्टेंस बढ़ गया, डिप्लेशन लेयर बढ़ गया, इसलिए। ठीक, आगे बढ़ते हैं। पिंच ऑफ वोल्टेज से भी ज्यादा पोटेंशियल अगर करते हैं, इससे भी ज्यादा करते हैं, तब क्या होगा? तब सडनली करंट फ्लो होना बढ़ जाएगा। अब आप बोलोगे सर इससे भी ज्यादा किया तो ये तो डिप्लेशन लेयर तो और बढ़ रही है, और बढ़ रही है, ज्यादा रेजिस्टेंस लग रहा है, फिर कैसे इलेक्ट्रॉन इजीली ऊपर फास्ट जाएंगे, कैसे करंट फ्लो बढ़ जाएगा? तो उसके लिए हमने रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ के रखी थी, याद हो तो। कैसे हम ड्रॉ करते थे? ये होता था हमारा रिवर्स पोटेंशियल, ये होता था रिवर्स करंट। स्टार्टिंग में क्या होता था? बहुत कम करंट जाता था, फिर सडनली बढ़ जाता था। ये किस में होता था? 1 μA में होता था। पोटेंशियल बढ़ाते जाओ, बढ़ाते जाओ, बढ़ाते जाओ। यहां पे क्या होता था? एक होता था हमारा, इसको बोलते थे ब्रेकडाउन वोल्टेज। ये ब्रेकडाउन वोल्टेज पे करंट सडनली किस में चला जाता था? 10 mA में, 20 mA में, 10^3 टाइम्स करंट बढ़ जाता था। ठीक है, तो ज्यादा पोटेंशियल अगर पिंच ऑफ से भी बढ़ाओगे तो क्या होगा? अकॉर्डिंग टू रिवर्स बायस कैरेक्टरिस्टिक्स, अब ये रिवर्स बायस में ही है, तो अकॉर्डिंग टू रिवर्स बायस कैरेक्टरिस्टिक्स सडनली करंट का फ्लो बढ़ जाएगा। ठीक है, अब इसे हम क्या बोलते थे? एवलांच इफेक्ट बोलते थे, ज़ेनर इफेक्ट भी हमने देख चुके हैं। इन शॉर्ट, पिंच ऑफ वोल्टेज से ज्यादा वोल्टेज करोगे तो क्या होगा? करंट फ्लो सडनली बढ़ जाएगा। ठीक है, अब यही पूरी कहानी ग्राफ के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। कैसे? कि ये हमारा VDD, ये जो वेरिएबल पोटेंशियल हम बढ़ाते थे इसको वेरी कराने के लिए, वो हो गया। और ये ID यानी ये जो ड्रेन में से जो करंट फ्लो होता था वो हमने बना दिया। ठीक है, इनिशियली हमने क्या किया? पहली लाइन देखना, इनिशियली हमने क्या किया? पोटेंशियल बढ़ाया तो करंट बढ़ा। ठीक है, पोटेंशियल बढ़ाया, करंट बढ़ा, डिप्लेशन लेयर भी तो बढ़ रहा है। ठीक है, अब यहां तक करंट बढ़ रहा है, यानी हम क्या बोल देंगे? V प्रोपोर्शनल टू I, यानी यहां से यहां का जो रीजियन है वो हमारा हो गया ओहमिक रीजियन, ओम्स लॉ को फॉलो कर रहा है। ठीक है, अच्छा अब यहां पर क्या हो जाएगा? यहां पर क्या हो जाएगा? एकदम पतला वोल्टेज, यहां पे ये डिप्लेशन लेयर ये बढ़ते बढ़ते ये जो N चैनल है एकदम पतली हो जाएगी, एकदम पतली हो गई, करंट सैचुरेट हो गया, अब करंट बढ़ने वाला नहीं। सपोज यहां पे ये 2 A है तो 2 A से अब करंट ऊपर जाने वाला नहीं है। ठीक है, तो यहां से यहां करंट कांस्टेंट, तो इसको बोल देंगे पिंच ऑफ रीजियन। ठीक है, अच्छा पिंच ऑफ रीजियन से भी वोल्टेज से भी ज्यादा वोल्टेज दोगे तो क्या होगा? सडनली करंट फ्लो बढ़े होगा। क्यों? क्योंकि एक ब्रेकडाउन पोटेंशियल आ जाएगा। तो यहां तक बढ़ाया, अब पिंच ऑफ पोटेंशियल से भी ज्यादा आपने दिया तो क्या हो जाएगा? आप देख सकते हो सडनली करंट का फ्लो बढ़ने लग गया, यानी ब्रेकडाउन रीजियन, यहां से यहां हमारा ब्रेकडाउन रीजियन हो गया। अब ये जो ग्राफ मिला वो हमें कुछ VGS की वैल्यू पे मिला, ये दो टर्मिनल के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। अब VGS की वैल्यू ज्यादा बढ़ाएंगे तो उसके कंपेयर में सपोज यहाँ पे 2 V है तो 2 A तक का करंट खींच सकता है 2 V में से, उससे 6 A का नहीं खींच सकता। ये सपोज हो गया 4 V तो ये 4 V से 4 A से ज्यादा करंट नहीं खींच सकता। ये हो गया 6 तो ये 6 A से ज्यादा करंट नहीं खींच सकता। ठीक है, और इसका ब्रेकडाउन भी अलग अलग होगा। ठीक है, पिंच ऑफ वोल्टेज भी अलग अलग होंगे। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये टॉपिक। सो इस वीडियो में बस इतना ही। सो टिल देन, रीड हार्ड, वर्क हार्ड। थैंक यू वेरी मच।